हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज जो दीपावली पे खील बच जाती है, तो आज हम उसी से बहुत ज़्यादा कुरकुरी, मीठी और नमकीन रेसिपी बनाने वाले हैं। इस रेसिपी को यदि धूप में बैठ के खाया जाए तो इसका अलग ही आनंद आता है। तो चलिए पहले इसे बनाते हैं। तो यहाँ खील को मैंने साफ़ कर लिया है। खील और बतासे दीपावली पे दोनों ही बच जाते हैं, तो इस तरीके से यदि इसमें ये धान हो तो आप ये निकाल के फेंक दीजिएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत चुभते हैं, तो इसे आप साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आधा कप पानी लूँगी और यहाँ 15 से 20 मैंने बतासे लिए हैं, और एक बड़ा सा टुकड़ा यहाँ गुड़ का लूँगी। 1.5 से 2 इंच का पीस मैंने यहाँ गुड़ का लिया है। और इसे जब तक पकाना है, जब तक इस पे झाग ना आने लगे। पहले ये एक तार की चाशनी बनेगी, और एक तार की चाशनी के बाद इस पे झाग आना शुरू हो जाएगा। यदि आपको चेक करना है तो आप एक कटोरी में पानी लेके इसे इस तरीके से डाल के, यदि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टॉफ़ी की तरह बन गई तो समझिए आपकी ये तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये पानी में गोली सी बन जाएगी। जैसे हम चौलाई के या मुरमुरे के लड्डू बनाते हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा इसकी चाशनी बनेगी। देखिए झाग आ गए हैं, तो यही वाली हमें चाशनी इसकी चाहिए। 1 टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेते हैं, घी को भी। और इस स्टेज पे जो हमारी खील है उसको यहाँ ऐड कर देते हैं, और इसे हमें कंटिन्यू चलाना है ताकि मीठा प्रॉपर तरीके से पूरी खील के ऊपर लग जाए। ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा लग जाए और कहीं कम रह जाए, कहीं से वाइट रह जाए और कहीं गुड़ या बतासा हमारा ज़्यादा लग जाए। इस तरीके से हम प्रॉपर चलाएंगे इसे, और इस टाइम हम गैस ऑफ कर देंगे। जब आप खील को चाशनी में ऐड करेंगे तो उस टाइम हम गैस को ऑफ कर देंगे। और आप देख सकते हो इसे मैं बराबर चला रही हूँ, और एक एक दाना हमारा खिला खिला होने लगा है बिल्कुल। कढ़ाई छोड़ चुका है चाशनी, और ये एक एक दाना खिला होता है। ऐसा भी नहीं होता कि दो दाने आपस में जॉइंट हो जाते हैं, एक एक दाना आपको बिल्कुल खिला हुआ मिलेगा। अभी मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए एक एक दाना बिल्कुल अभी गर्म है। अब ठंडा होने पे ये बहुत ज़्यादा कुरकुरा भी हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे आप फीके दूध में डाल के खाइए या ऐसे खाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ये बनके तैयार हो चुकी है हमारी मीठी खीर। तो इसके बाद हम बनाएंगे नमकीन खीर। आप चाहो तो इसे पूरा बतासों में भी बना सकते हो या पूरा गुड़ में भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कौन सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पैन में लूँगी मैं देसी घी, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1 टीस्पून काफ़ी है इसमें। थोड़े इस साइज में हरी मिर्च लेनी है, 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ली हैं। थोड़ा कड़ी पत्ता बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें भून लेते हैं। जब कड़ी पत्ता बिल्कुल कुरकुरा हो जाए और मिर्ची भी थोड़ी करारी हो जाए, तो इसमें थोड़े से हम मसाले ऐड करेंगे। कलर लाने के लिए थोड़ा मैं यहाँ हल्दी पाउडर और थोड़ा तीखा बनाने के लिए लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। स्वाद अनुसार नमक, नमक हमें यहीं डालना है क्योंकि खील में यदि डालेंगे तो प्रॉपर तरीके से नहीं लग पाएगा। यदि मसाले में आप नमक ऐड करोगे तो पूरा अच्छे से ये इसमें खील में लग जाएगा। तो हमने कुछ ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करने हैं, केवल नमक मिर्च, और चाहो तो आप चाट मसाला ऐड कर सकते हो। और इसे हम मिक्स कर लेते हैं।
थोड़ा इसे हाथ से भी मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला या नमक अच्छे से इसमें मिक्स हो सके, क्योंकि कलछी से इतनी अच्छे से नहीं मिक्स हो पाएगा। गैस इस टाइम हम ऑफ है हमारी, ऐसा नहीं है कि गैस ऑन है। और इसे यदि आप और ज़्यादा कुरकुरा करना चाहो तो इसे लो फ्लेम पे बिल्कुल 2 मिनट के लिए भून लीजिएगा। तो इस तरीके से आप नमकीन और मीठी खीर बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये लगती है, ख़ास तौर से ये जब जाड़ों में धूप में बैठते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये देखिए बिल्कुल कुरकुरी है। आप नमकीन वाली खीर में थोड़ी मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं, ये तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। यदि रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। Thank you.